हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 बायोलॉजी का एमसीक्यू। ये उसका दूसरा पार्ट है, इससे पहले पहला पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय। एंथ्रेक्स जो बीमारी है ये किसके कारण होता है? ये होता है बैक्टीरिया के कारण। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, जेरोप्थेल्मिया इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो जेरोप्थेल्मिया जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस बीमारी का डिफिशियंसी तो पूछता ही है, साथ ही पूछा जाता है कि जो जेरोप्थेल्मिया जो है ये बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, मतलब कौन सा जगह में ये इफेक्ट करता है। तो ये आँख का एक बीमारी है, याद रखिएगा आई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। इसके अलावा आप लोग विटामिन डी जो है इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, इसके डिफिशियंसी से एक तो बीमारी पूछा जाता है रिकेट्स होता है, ये खासकर बच्चों में होता है। लेकिन यदि एडल्ट में पूछा जाए तो वो होता है ऑस्टेमेलेशिया। ऑस्टेमेलेशिया एडल्ट में होता है, जो बड़ा इंसान होता है उसमें होता है। और विटामिन के की कमी से जो होता है ये होता है हीमोफीलिया, विटामिन के की डिफिशियंसी से। और विटामिन सी के जो डिफिशियंसी से होता है ये होता है, विटामिन सी के डिफिशियंसी से स्कर्वी, याद रखिएगा ये चारों। ऐसे में विटामिन पे एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिश में ही है, आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और ऊपर आई बटन में भी लिंक है, जहां से भी हो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोसोम जो बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के ट्रीट के लिए जो यूज होता है ये होता है एंटा एसिड, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एट हाई अल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल। तो जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी हम लोग का ब्लड का क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, साइज में इंक्रीज होगा या नंबर में इंक्रीज होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इंक्रीज इन नंबर, नंबर में बढ़ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ तो पूछा है कि क्या होगा, सिर्फ बढ़ जाएगा घट जाएगा, लेकिन यदि इसका रीजन पूछ दिया जाए कि क्यों ऐसा होता है कि इंक्रीज क्यों हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो ऊपर जाने से कम हो जाता है। आप लोग को पता होगा जैसे ही हम लोग हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे कमते जाता है, जिसके वजह से क्या होता है आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो आप लोग रीजन में लिखिएगा लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि पूछा तो, क्योंकि एसएससी कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एसएससी में। अगला है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, तो ये आर्टरी होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो भी बीच बीच में मैं टर्म बता रहा हूँ या बीच में रिलेटेड कुछ वर्ड बता रहा हूँ कि इसका ये भी होगा, तो वो सब भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, हर एक साल कम से कम 20 से 30 हज़ार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पेपर का मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी का सिर्फ, तो वो सारा तो टाइप करके और सारा बताना तो संभव नहीं है, और ना ही आप लोग उतना सारा याद कर सकते हैं, तो बीच बीच में बता देने से वो याद रह जाता है। अगला है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंज बिटवीन, तो ये रेंज है 7 से 7.8 के बीच में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फैमिली इनटू द सॉइल। तो ये तो आसान सवाल है, ये रूट का काम है, रूट ही होल्ड करके रखता है पूरा प्लांट को, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो क्लोरोप्लास्ट डेमोफ्रीज, तो ये शो करता है शुगर केन, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है,
इसमें कन्वर्ट होता है अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है N2O, माइनस में होता है क्योंकि ये आयंस है। लेकिन यदि नाइट्रेट रहेगा, कभी कभी नाइट्राइट नहीं लिखा हुआ रहता है, डायरेक्ट NH3 इंटू N2O ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग वहां पे भी तो नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है N2O माइनस होता है और नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है। तो आप लोग ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे आंसर ऐसे दिया हुआ था। आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ था SSC का, यदि वैसे दिया हुआ तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। अगला है फंगी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कौन सा फंगी यूज किया जाता है ब्रेड के प्रिपरेशन में, ये किया जाता है सेक्रोमाइसिस है, ऑप्शन नंबर सी में है इसका यूज किया जाता है। अगला है ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो ईस्ट जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी का है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ फ्रूट जो है ये बोला जाता है पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सबको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी ऑफ सॉइल होता है, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी में एंथोलॉजी, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स होता है, या फिर कभी कभी फ्लावरिंग प्लांट भी लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग एंथोलॉजी टिक कर सकते हैं, दोनों का स्टडी एंथोलॉजी कहलाता है। और ऑप्शन नंबर ए में है स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ सीड होता है, जो बीज होता है उसके अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अगला है हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये होता है सेल डिवीजन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सेल डिवीजन। और ये बैक्टीरिया सब में पाया जाता है, बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस होता है, अमीबा बैक्टीरिया। अगला है बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे, तो बैट जो डार्क में फ्लाई करता है इसका कारण है प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन नंबर इसका सी में है अल्ट्रासोनिक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द प्लांट किंगडम फर्न्स एंड फर्न एलाइज बिलोंग टू व्हिच ग्रुप, ये बिलोंग करता है पेट्रियोडोफाइट, ऑप्शन नंबर डी में है तो सही आंसर होगा। अगला है व्हिच पार्ट ऑफ सिंकोना यील्ड्स ए ड्रग, मतलब सिंकोना से जो ड्रग बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है, ये किस पार्ट से बनाया जाता है, तो ये बार्क से बनता है, मतलब उसका जो छाल होता है पेड़ के ऊपर एक मोटा सा परत रहता है, लोग देखे होंगे पेड़ के ऊपर एक कवर किया हुआ रहता है मोटा सा, लगभग हाफ इंच मोटा रहता है, वो छाल उसको बोलते हैं हिंदी में, तो बार्क से बनाया जाता है। अगला है पोटैटो इज, तो पोटैटो क्या है, रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, लीफ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पोटैटो जो है ये स्टेम है, याद रखिएगा रूट नहीं है, जमीन के नीचे रहता है जरूर लेकिन ये स्टेम है। अगला है कलर ऑफ प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो प्लांट का कलर जो होता है ग्रीन, ये प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिमेंट प्रेजेंस इन क्लोरोफिल, देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था प्लांट किसके कारण कलर जो होता है तो क्लोरोफिल, वो पहले पूछा जाता था वैसे क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एडवांस पूछा जाता है, जैसे क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन पूछा गया है, तो ये मैग्नीशियम होगा Mg, इसका सही आंसर। ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा यदि ये सब वीडियो आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पे बायोलॉजी का हिंदी में ऑलरेडी टॉप 100 बायोलॉजी का MCQ ऑलरेडी अपलोड है। और इसके अलावा हिंदी का एक GK GS करके एक सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ कवर किया गया है, मतलब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जितना भी है सारा कुछ उसमें एक साथ कवर किया गया है।
जो अभी SSC का एग्जाम होगा या फिर CBT 2 होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है सारा। और कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।